हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है आपका कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, यानी कि मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करना। अब ये थोड़ा सा अलग है, बाकियों से अलग है क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग ही थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, पहले क्या है, हमने आपका FIR पढ़ी थी। ठीक है, FIR होगी और आपका उसका चलेगा, जिसका प्रोसेस आपका 12 में था, चैप्टर 12 में था। फिर हमने 156(3) भी उसमें पढ़ा था कि अगर मान लीजिए FIR के लिए मना कर देते हैं तो हम 156(3) लगाते हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल केस बन रहा है तो वो आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये 200 क्या है? देखिए, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बताऊं तो 156(3) के साथ हम 200 की कंप्लेंट भी साथ में लगाते हैं कि ये सेफ असाइड करने के लिए कि अगर 156(3) हमारी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं होते, FIR के या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं होते, हालांकि हमेशा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होते हैं, FIR के ऑर्डर नहीं होते, वो अब मैंने 156(3) में बहुत क्लियर करके बताया। ठीक है, तो 200 की कंप्लेंट भी हम उसमें साथ लगाते हैं। अब ये जो 200 की कंप्लेंट है, ये इसलिए भी होती है, अगर प्रैक्टिकली बताऊं कि अगर हमारी 156(3) में FIR नहीं होती, अगर FIR नहीं होती तो कंप्लेंट केस चल जाता है। कंप्लेंट केस से क्या होता है, इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, कोर्ट अपने पास लगवाता है, हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर दे सकता है, वो आपको वो बताएंगे किसमें देगा किसमें नहीं देगा। ठीक है, बट इसकी प्रोसीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, जैसे कि यहां समझिए, ये इसे भूल जाइए आप, ये देखिए प्राइवेट कंप्लेंट, इसी को प्राइवेट कंप्लेंट कहा जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंप्लेंट, अब ये कौन से केस की है, कॉग्निजेबल की होगी क्या सिर्फ? नहीं, ये आपका कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस की हो सकती है। ठीक है, अगर वारंट केस आपका एग्जामिनेशन करेगा 200 में, फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगा, यानी कि सामने वाली पार्टी को बुलाएगा। ठीक है, और अगर 202 में पोस्टपोन कर देगा या कहेगा पहले इंक्वायरी करेगा देन मैं आपको इनको बुलाऊंगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब अक्यूज को बुलाएगा। इस स्टेज यहां तक, यहां से लेके यहां तक अभी तक अक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसीडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। आपका पहले मैजिस्ट्रेट आपसे एग्जामिन करता है आपके आपको, ठीक है, कि आप आए भी हो, क्लियर हैंड से आए हो नहीं आए हो, मतलब सही सही तरीके से आए हो नहीं आए हो, कोई केस बन भी रहा है नहीं बन रहा उस चीज का, फिर उसकी प्रोसीडिंग पूरी आपकी चलती है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें पढ़नी है। अब आते हैं कंप्लेंट। देखिए, कंप्लेंट वर्ड जो टर्म यूज करी गई है CRPC में, ये आपका हमेशा मैजिस्ट्रेट को होगी। ठीक है, कंप्लेंट कभी भी आपका, देखिए पुलिस को जो हम देते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस को जो हम देते हैं वो क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बेस पे वो हमारी FIR करता है। ठीक है, आप हम लोकल लैंग्वेज में हम उसे बोल देते हैं कि कंप्लेंट दी हमने पुलिस को, कंप्लेंट दी है, पर कंप्लेंट जो टर्म CRPC में यूज करी गई है वो हमेशा किसके लिए यूज करी गई है, मैजिस्ट्रेट को। तो हमेशा याद रखिएगा, कंप्लेंट अगर CRPC में तो मैजिस्ट्रेट को लगेगी। अ कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन लगाएं। अब एलिगेशन आपके कोई से भी हो सकते हैं, कॉग्निजेबल भी हो सकते हैं एंड नॉन कॉग्निजेबल एलिगेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका आईपीसी में, आईपीसी के हर ऑफेंस में बता रखा है कि कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, और इवन आपका CRPC के लास्ट के शेड्यूल में भी दे रखा है कि कौन सी चीज कॉग्निजेबल है कौन सी नहीं। तो एलिगेशंस क्या है, आपके मेड ओरल इन राइटिंग, या तो ओरल भी हो सकते हैं राइटिंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रॉपर सेक्शन 200 से शुरू नहीं कर रहे। ठीक है, विद अ व्यू टू द मैजिस्ट्रेट, यानी कि ओरली भी बता सकते हो, राइटिंग भी बता सकते हो, किसको, मैजिस्ट्रेट को, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड सम पर्सन वेदर नोन अननोन। अब देखिए, अक्यूज का पता है नहीं पता तो उसके नाम पे भी हो जाएगा, हैज कमिटेड ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। अब यहां कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट को नहीं। देखो, मैजिस्ट्रेट आपका सेक्शन 190 में तीन चीजों से कॉग्निजेंस ले सकता है। फर्स्ट, कंप्लेंट केस, जो आपका 200 की बात कर रहा है जो हमें पढ़ने अभी, आपका पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है 173 में चार्जशीट जो आती है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसे खुद मिली हो, ठीक है, सुओ मोटो, पर आपका वो पुलिस ऑफिसर से के थ्रू ना हो, तो ये चीजें कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के आपका जो मैजिस्ट्रेट के सामने करी हुई कंप्लेंट होती है वो आपका कंप्लेंट होती है। ठीक है, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन डिस्क्लोज, मान लो एक रिपोर्ट बनाई पुलिस ने, एक चार्जशीट बनाई। ठीक है, अब वो चार्जशीट में क्या हुआ कि पहले तो लग रहा था कॉग्निजेबल केस है, पर चार्जशीट जब फाइल करी पता चला नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो ये चार्जशीट क्या खराब हो गई? नहीं, यही रिपोर्ट आपकी ऐसे रिपोर्ट कंसिडर करी जाएगी और मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट ट्रीट करी जाएगी। ठीक है, तब की पुलिस रिपोर्ट, अगर आपसे पूछे कि एक पुलिस रिपोर्ट कब आपकी मैजिस्ट्रेट के आगे मानी जाती है, कंप्लेंट मानी जाती है, जब उसके अंदर, देखिए अगर क्वेश्चन आए कि कब आपकी पुलिस रिपोर्ट आपका कंप्लेंट मानी जाती है मैजिस्ट्रेट के आगे, तब मानी जाएगी जब उस पुलिस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल केस में डाउट हो रहा हो। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो वो कंप्लेंट मानी जाएगी। क्या कह रहा है सेक्शन, अ पुलिस रिपोर्ट, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस डिस्क्लोज, उसमें लिख रहे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि नॉन कॉग्निजेबल केस मेड आउट हो रहा है, शैल बी डीम, उसको क्या मान लिया जाएगा, कंप्लेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा, कंप्लेंट मान लिया जाएगा, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट शैल बी डीम टू बी कंप्लेंट, और जिसने वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करी है वो कंप्लेंट मान लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, पुलिस वाले 169 की क्लोजर रिपोर्ट लगा के खत्म करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो एक बार एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं कंप्लेंट के लिए क्या क्या होना जरूरी है। एक कंप्लेंट के लिए कैसे एलिगेशन होने चाहिए, ठीक है। कंप्लेंट के लिए क्या है, द कंप्लेंट रिक्वायर्स एन एलिगेशन ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंडर ऑफ ऑफेंस ऑफेंस बाय ऑफेंडर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका बात करता है कंप्लेनेंट मे बी ओरली और राइटिंग, आपकी ओरली और राइटिंग भी हो सकती है। कंप्लेनेंट मस्ट बी मेड टू मैजिस्ट्रेट, यानी कि वो हमेशा एक मैजिस्ट्रेट को ही होनी चाहिए। और कंप्लेनेंट शुड बी मेड टू टेक एक्शन बाय द मैजिस्ट्रेट, और आपका कंप्लेंट पे एक्शन कौन लेगा, उस कंप्लेंट पे जो लगाई है उस पे एक्शन कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट लेगा, ठीक है। और एक और चीज, क्या ये सिर्फ आपका कॉग्निजेबल के लिए होगी, नहीं, आपका कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस दोनों के लिए होगी। एक बार प्रोसीडिंग जान लेते हैं, ये देखिए आपका प्राइवेट कंप्लेंट होगी, ये तो हमने आपको तीनों पहले ही बता चुके हैं। एक प्राइवेट कंप्लेंट होगी किसके अंडर, सेक्शन 200 के अंदर, 200 के अंदर आपका एग्जामिनेशन करेगा, किसको एग्जामिनेशन करेगा, वो आपका अभी बता देते हैं, एग्जामिनेशन करेगा वो कंप्लेनेंट को और उसके लाए गए विटनेस को, फिर सामने वाले अक्यूज को बुलाएगा। अभी तक अक्यूज नहीं आएगा, जैसे चेक बाउंस की केस अगर आप प्रोसीडिंग देखते हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो उसमें क्या होता है, पहले आप एक कंप्लेंट लगाते हैं, ठीक है, जज उस पर कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है, फिर उसके सामने बाद में बुलाता है, ठीक है, सामने वाली पार्टी को बाद में बुलाता है। तो यहाँ पर क्या जुडिशियल माइंड अप्लाई, यहाँ पर प्री कर रहा है, प्री जुडिशियल माइंड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि केस आपका एफआईआर पे क्या जुडिशियल माइंड अप्लाई होता है, आंसर इज नो, एफआईआर पे जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं होता, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे जुडिशियल माइंड अप्लाई होता है। और यहाँ पर क्या कंप्लेंट पे आपका पहले वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, एग्जामिन करेगा आपको, देन इश्यू प्रोसेस करेगा, देखेगा कोई प्राइमरी फेसाई केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है इस बेस पे। अब हम कल से सेक्शन 200 पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।